नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ एकता मिश्रा। एक बार फिर से भारतीयों ने जड़ी बूटी के मामले में पूरे विश्व में परचम लहरा दिया है और ये काम किया है पतंजलि ने। जी हाँ, किस तरीके से पतंजलि ने जड़ी बूटी को पूरे विश्व में फैलाया है और इसका परचम लहराया है, आइए इस खबर में जानते हैं। पतंजलि ने अपने नाम एक और उपलब्धि कर ली है। विश्व के अग्रणी वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हो गए हैं आचार्य बालकृष्ण जी। स्वामी रामदेव ने बताया कि आचार्य बालकृष्ण के नेतृत्व में संचालित पतंजलि अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत अनेकों आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पर वृहद स्तर पर अनुसंधान कर विभिन्न विश्व प्रसिद्ध रिसर्च जर्नल्स में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। यूएसए की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एवं यूरोपियन पब्लिशर्स एल्सेवियर की ओर से जारी विश्व के अग्रणी वैज्ञानिकों की सूची में पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण जी को शामिल कर लिया गया है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि आचार्य बालकृष्ण ने विश्व के अग्रणी और ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों में स्थान प्राप्त कर बॉटनी बेस्ड मेडिसिन सिस्टम, योग, आयुर्वेद चिकित्सा और चिकित्सा के परिणामों को वैश्विक स्तर पर गौरवान्वित किया है। स्वामी रामदेव ने आगे बताते हुए कहा कि आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य करने वाली पतंजलि पहली ऐसी संस्था है जिसके पास मान्यता प्राप्त विश्व स्तरीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं। आचार्य बालकृष्ण के नेतृत्व में संचालित पतंजलि अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत अनेकों आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पर वृहद स्तर पर अनुसंधान कर विभिन्न प्रसिद्ध रिसर्च जर्नल्स में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। आपको बता दें कि पतंजलि में करीब 500 वैज्ञानिक निरंतर शोध कार्य में लगे हुए हैं। स्वामी रामदेव ने कहा कि आचार्य बालकृष्ण ने सैकड़ों ग्रंथों, वनस्पति आधारित पुस्तकों, पांडुलिपि आधारित पुस्तकों की रचना कर अद्वितीय कार्य किया है। योग आयुर्वेद में ही 80 भाषाओं में रिसर्च बेस्ड पब्लिकेशंस है। वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया ऐसे ही कालजरी रचना है जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणापद एवं मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगी। इससे पूर्व यूएनओ की संस्था यूएनएसडीजी द्वारा भी आचार्य बालकृष्ण को सम्मानित किया जा चुका है। तो अब आने वाले समय में भारत की जड़ी बूटियां पूरे विश्व में फैलेगी और ये काम पतंजलि ने किया है।